इज व्हाट एवरीबॉडी इज मॉन्टी ब्लॉग। तो गाइस बहुत दिन के बाद मैं बाइक वाला, आप लोग का बहुत सारा डिमांड था कि भाई बाइक का दिखाओ, बाइक का दिखाओ, बाइक। आज यहाँ पे बहुत सारी बाइक लेके आया हूँ, बहुत सारी में मतलब बुलेट स्पेशल है और RS लगा हुआ मेरे पीछे। तो आज हम लोग बाइक का सफ़र करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी बाइक है और सेकेंड हैंड बाइक है, और रेट की बात करें तो देख लेना यार वीडियो में। मैं सस्ता बाइक नहीं बोलूँगा, सस्ता बाइक एक ही है 34,000 का, जो आप लोग थंबनेल में देखा होगा। उसे लेके मत बोलना कि बुलेट का दाम रख दिया है तुमने 34,000 रुपया, ऐसा नहीं, 34 से स्टार्ट है, ठीक है। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ, तो आप लोग बस एक काम करना है यार, तुम लोग नहीं करते हो, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग वो काम नहीं करते हो। पता है क्या करना है? सब्सक्राइब करना है यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब करते रहोगे तब तक मैं वीडियो लाते रहूँगा, नहीं करोगे तो स्लो हो जाएगा। जब सब्सक्राइबर ही नहीं रहेगा तो मैं वीडियो किस लिए लाऊँगा? तो सब्सक्राइब करो, ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जैसा कि एक सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, बोलो हाँ आ रहा है, नीचे में होगा, उसको क्लिक करोगे तो वाइट हो जाएगा, और एक बगल में घंटी होगा, उसको क्लिक करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, उसको बजा देने का, ठीक है, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले गिरते रहे। तो आज कुछ बाइक की जानकारी लेते हैं और मस्ती करते हैं, चलो। हमारे साथ है आलोक जी। हाय फ्रेंड। फ्रेंड बोले तो हाय। हाय पूरा सब बोल रहे हैं। चलिए आप आराम से पहले हो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग डाउन होकर के बात करेंगे, कैमरा नीचे में रखा हुआ। तो आज हमें कौन कौन सी बाइक दिखाने वाले हो आप? अभी हम आपको RS दिखा देंगे, बुलेट दिखा देंगे, वर्जन 3 दिखा देंगे, जो ऊपर में लगा हुआ है बगल में। अच्छा, तो ऊपर में भी गोदाम में बाइक लगी हुई है, सबकी लगी हुई। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे कम प्राइस की बाइक कितनी की है अभी आपके शॉप में? मेरे शॉप में 34 का FZ पुराना मॉडल, 2010 पुराना मॉडल है, 2010 मॉडल है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बुलेट की भी जानकारी लेंगे, तो बुलेट की सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी जो सस्ती गाड़ी है वो दिखाते हैं, उसके बाद बुलेट, RS, बुलेट और RS है, और वर्जन 3 है, और ये है आपका R15 भी मिल जाएगा, जिक्सर भी मिल जाएगा, वो सभी बाइक आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बट NS भी है, हाँ NS भी है, मुझे बाइक की उतना नॉलेज नहीं है आलोक भाई, पता है मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बता देंगे हम। हाँ ठीक है, वो बता देंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, जो सबसे कम प्राइस का है वो बाइक की जानकारी लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, ठीक है। हाँ तो हम लोग आ गए हैं गोदाम में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इतना बहुत सारी डीलर डीलर में इतनी गाड़ी लगी हुई है। इससे पहले भी मैंने 36 का बनाया था वीडियो, आप लोगों ने देख लिया, वो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था उनके पास, 350 बाइक थी, अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आ जाएगा। तो जैसा कि अभी डीलर डीलर में देखे, एक लाइन से गाड़ी लगा हुआ है। अब जो कम प्राइस की गाड़ी है आलोक भाई, वो जो आप बता रहे थे, ये बता रहे, ये है सर, कौन सी है? FZS है, 2010 का मॉडल है, 2010 का मॉडल है, इसी का दाम है आपको 34,000 पड़ा है, 34,000 रुपये। कब की गाड़ी है? 2010 का, 2010 मॉडल। गाड़ी कहाँ की है? रांची नंबर, सब यहाँ मेरे पास रांची नंबर रहता है, टोटल गाड़ी रांची नंबर, रांची नंबर है सब, रांची नंबर रहता है। ये पूछने का दरकार नहीं है कि मुझे की गाड़ी कहाँ की है, नहीं जरूरी पूछना है। अच्छा चलिए, जरूरी है आपका। तो ये 34,000 की बाइक कितने किलोमीटर चली हुई है? 49,000 कुछ चली हुई है, 49,000 किलोमीटर चला हुआ है, ये 49,000 के लमसम ऐसा कुछ चला हुआ। 2011 मॉडल है, 2011 मॉडल है ये, 34,000। पेपर वगैरह, टैक्स वगैरह सब कंप्लीट है? सब कंप्लीट है, सब पेपर ओके मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं, ये कौन सी गाड़ी है? ये एवेंजर है, एवेंजर है, एवेंजर 250 है। ये कब की गाड़ी है? ये 2016 मॉडल है, 2016 मॉडल की है। क्या डिमांड है इसका? इसका डिमांड 58 रखे हुए हैं हम लोग, 58 यानी कि 58,000 रुपये रखे हैं, 2016 मॉडल है, इसमें भी कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा, हर गाड़ी में कम हो जाएगा। चलिए हर गाड़ी में कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले में, टायर वगैरह सब आप लोगों को दिखता होगा, कंडीशन कैसी है गाड़ी? कंडीशन अच्छा, सिर्फ आगे टायर लगाना पड़ेगा सर, आपके सामने टायर हल्का फुल्का रहता है इसके। अच्छा, सेकेंड हैंड गाड़ी ना, थोड़ा मोटा लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए हम नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। और हाँ, जो लोग इंक्वायरी कर रहा होगा, नंबर दिया हुआ रहेगा आलोक सर का। ये स्कूटी, हाँ स्कूटी भी बोलते हैं भाई, स्कूटी दिखाओ, स्कूटी का प्राइस बताइए। इसका 38 रखे हुए हैं, 2017 मॉडल का है, 2017 मॉडल है, 38,000 यामा का रे है, यामा का रे रे। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? चला हुआ है 12,000 कुछ चला हुआ है, 12,000 चला हुआ है, अंदाजा बता रहा, 12,000 कुछ 800 चला हुआ है। अच्छा, तो एक किलोमीटर कुछ ऐसा चला हुआ है, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अंदाज से बता रहे हैं, बट इस पर डाउट मत करिए कि 12,000 चला हुआ है। तो चलिए अब ये पल्सर की बात करते हैं, 150, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कंडीशन तो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। ये कब की गाड़ी है? 2015 मॉडल है, 2015 मॉडल है। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? चला हुआ है 30,000 चली हुई है, 30,000 चली हुई है। अच्छा 30,000 चली हुई है, क्या डिमांड है इसका? इसका
48 रखे हुए हैं। 48 हाँ 48 रखे। कुछ कम भी होगा? वो हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा 150 है ये? 150 पल्सर है। किलोमीटर कितना बताएं? 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो जैसा आप लोग देख रहे हो 30,000 किलोमीटर चला हुआ, टायर वगैरह सब एकदम चक-चक है, टायर सब कहीं स्क्रैच नहीं बॉडी में। चलिए ठीक है, बॉडी भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और गाड़ी की बात करें, ये कौन सी गाड़ी है? ये होंडा का यूनिकॉर्न है। कितना प्राइस है इसका? 34 है। 34 कितना किलोमीटर चल रहा है? 23,000 चला हुआ है। 23,000 चला हुआ है। एक गाड़ी की और जानकारी लूंगा मैं, जो आप लोग अपाची का बहुत डिमांड करते हैं। हां अपाची की देखनी है। अपाची बता दो भाई। 180 है, 2016 मॉडल का ये गाड़ी है। 180 है? हाँ 2016 मॉडल। 2016 मॉडल है। क्या प्राइस रखे हैं इसका? इसका प्राइस 55 रखे हुए हैं। 55 55,000 हाँ। तो कुछ कम भी होगा? हो जाएगा, रेट ऊपर नहीं। किलोमीटर वही 20,000 चला हुआ है। 20,000 20 पारी होगा? हाँ 20 पारी होगा, अंदाज़ा बता दे रहे हैं। चलिए अंदाज़ा बता। चलिए भाई अपाची मैंने दिखा दिया। NS है, NS 200 2018 मॉडल का है। अच्छा 78 रखे हुए हैं। 78 रखे हैं। किलोमीटर कितना चला हुआ है? 15,000 चला हुआ है। ये भी रांची की गाड़ी है? ये भी रांची की गाड़ी है। अच्छा 15,000 चला हुआ है। एक आपके पास, आपके पास मैंने जिक्सर देखा था, जिक्सर कितना का है वो? जिक्सर है 55,000 का। एक कस्टमर आए अभी नीचे देख रहे हैं नीचे। अच्छा हाँ, तो वो कितना का है? 55,000 का। 55,000 चला हुआ है वो? चला हुआ 14,000 चला हुआ है। ओनली 14,000? ओनली 14,000। मॉडल गाड़ी है वो? 17 मॉडल का। 17 मॉडल गाड़ी है। फुल्ली पूरा कंडीशन में है। कंडीशन में पूरा। अच्छा और एक ये R15 ये वर्जन 3 है। R15 का भाई बहुत डिमांड कर रहे थे हम लोग, वर्जन 3 है ना? वर्जन 3 है। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कितना प्राइस रखे हैं R15 का? 1,28,000 दाम। बहुत ज़्यादा रेट है फिर भी। मॉडल कौन सा है? एक साल हो गया गाड़ी का। ओ एक साल हो गया। 18 दिसंबर का है। 18 दिसंबर का है। तो कितना किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी? 1500 चला हुआ सिर्फ। 1500 ओनली? 1500 ओनली। 1500। तो भाई जैसा आप लोग देख रहे होंगे गाड़ी R15 है और ये लेटेस्ट मॉडल है ना? टॉप मॉडल है। हाँ टॉप मॉडल है। तो किलोमीटर कितना चला हुआ है? 1500 किलोमीटर चला हुआ। डिमांड क्या है आपका? 1,28,000 है। 1,28,000 रांची की गाड़ी है? हाँ रांची गाड़ी है। बाकी गाड़ी आप लोगों को दिखता होगा पूरा कंडीशन में गाड़ी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। पर प्राइस के मामले में अगर आप लोग कुछ डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ तो भैया तो जैसा कि आप लोग देख लिए, अब चलते हैं बुलेट और RS के पास। RS है ना वो भाई? हाँ RS नीचे में लगा हुआ है। RS है, उसके बाद चलते हैं और कितना प्राइस है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लगा हुआ NS RS लगा हुआ है 200। ये कौन सा मॉडल है RS? 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल 75 इसका रेट हम लोग रखे हुए हैं ऑलरेडी। 75 रखे हैं। कितना किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी? 21,000 चला हुआ है। थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर करिएगा। 21,000 किलोमीटर चला हुआ है। 2016 मॉडल है। 16 मॉडल है। गाड़ी कहाँ की है? रांची नंबर है। रांची नंबर है। अच्छा आपके सामने गाड़ी देख लीजिए, कोई स्क्रेच नहीं, हल्का फुल्का रहता है। हाँ। उतना कोई दिक्कत नहीं है। टायर वगैरह देखो, दोनों नया है टायर। टायर वगैरह तो हमने देखा। ठीक है। और ये रांची की गाड़ी है। रांची नंबर पचहत्तर हजार। 75,000 में कुछ कम होगा? हाँ देखिए रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, नाम ट्रांसफर अलग से आपको देना पड़ेगा जो प्रोसेसिंग फीस है। फिलहाल हमारे व्यूअर को आप दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना? तो ट्रांसफर करने क्या आप ही लोग करा के दोगे? नाम ट्रांसफर हम ही लोग करा लेंगे। वो 75 में मैं 70 अलग से लगेगा, 2500 देना पड़ेगा आपको। 2500 आपको अलग से देना पड़ेगा नाम ट्रांसफर का। प्रोसेसिंग जो नाम ट्रांसफर लगता है उसके देना पड़ेगा आपको अलग से। तो ठीक है। और आपके पास एक बुलेट था, चलिए बुलेट की जानकारी दिखा दे रहे हैं। तो आलोक भाई बुलेट के बारे में बताओ, 2014 का है ये? 14 का मॉडल है, 85 पड़ रहा है इसका। अच्छा अच्छा। और डिमांड क्या है उसका? डिमांड तो बहुत है सर, 85 लगा हुआ। 85 मतलब 85,000 रुपये? 85 हाँ 85,000 है अभी हम लोग रखे हुए हैं। रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत, नाम ट्रांसफर आपको बता दें। 2014 मॉडल है और 85,000 रुपये दाम है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा बुलेट, जैसे कि बुलेट का बहुत डिमांड कर रहे थे आप लोग, तो बुलेट लेके आए तो भाई यहाँ तक आए लाइक कर देना, ठीक है? क्लासिक है सबसे ज़्यादा डिमांड है। क्लासिक है ना? कौन सा मॉडल है ये बताओ? 14 का 350 है क्लासिक। क्लासिक 350 है, 2014 मॉडल है। बाकी आप लोगों ने टायर और दिखता होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कैसा। और बाकी मैंने चलाया भी, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा, अभी बेटर है।
मुझे तो अच्छा लगा चलाने में, कोई झिकझिक बिग बिग नहीं, बस थोड़ा सा सेल प्रॉब्लम है इसमें लोग भाई। नहीं, बैटरी डाउन है सिर्फ। ओ, बैटरी डाउन, बैटरी डाउन रखा हुआ गाड़ी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई बात नहीं, रखा हुआ रहता गाड़ी। अच्छा तो ठीक है फिर आप लोग को, ठीक है तो यहाँ तक मैंने बुलेट दिखा दिया आप लोग को, बुलेट और एनएस दिखा दिया। तुम्हें तो ये वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आया तो एक लाइक करना है कि नहीं आलोक भाई, लाइक जरूरी, लाइक बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब भी ऐसा बाइक आएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा आप लोगों। ओके तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहो और खुश।